ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही 3 मई को चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन केदारनाथ के कपाट 6 मई शुक्रवार को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। इस वक्त केदार बाबा के दर्शन के लिए देश विदेशों से लाखों लोग केदारनाथ धाम जाने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज हम आपको इस यात्रा की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, कैसे आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, यात्रा का कितना खर्चा आएगा और केदार बाबा की क्या मान्यताएं, क्या कहानियां हैं। ये तमाम बातें आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं केदारनाथ से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं से। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। केदारनाथ धाम अति प्राचीन है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम और केदार बाबा का मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। ये नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी हैं। हालांकि इनमें से कुछ नदियों का अस्तित्व अब नहीं रह गया है, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। पांडवों के बाद इस मंदिर को बनाने के बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। मान्यता के अनुसार केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास माना जाता है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से केदारनाथ को लेकर एक सवाल किया था, जिसके जवाब में भोलेनाथ ने बताया कि यह इलाका उतना ही पुराना है जितना कि मैं पुराना हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं कि इस स्थान पर उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया था, तभी से यह स्थान उनके लिए घर की तरह है। अब आपको पांडवों से जुड़ी कहानी भी सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव केदारनाथ में अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गए थे। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। पांडव भगवान शिव से न मिल सके, इसके लिए शिवजी केदारनाथ धाम आ गए। पांडव भी शिवजी के पीछे पीछे चले आए और पांडवों से छिपते हुए भगवान शंकर ने बैल का रूप ले लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ियों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय, भैंस और बैल जो थे उसके नीचे से निकल आए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे जाने से मना कर दिया। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में जमीन के नीचे समा गए। लेकिन इसी बीच भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस प्रयासों से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पांडवों को उन्होंने दर्शन दे दिए। उसके बाद पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की कि उन्हें पाप से मुक्त कर दिया जाए। तभी से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। यहाँ पर आप ट्रेन और बस दोनों से आ सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा टैक्सी द्वारा करनी पड़ेगी, जिसके बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी जा सकती है तो हमारी खुद की कार क्यों नहीं जा सकती। इसका कारण है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जो टैक्सी चलती है वो टैक्सी वहाँ के स्थानीय लोग चलाते हैं, वो लोकल टैक्सी होती है। उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। गौरीकुंड पहुँचने के बाद केदारनाथ की असली यात्रा शुरू होती है, जो है पैदल यात्रा। हालांकि कुछ लोग खच्चर के द्वारा भी खच्चर में बैठते हैं, कुछ डोलियों में बैठ के जाते हैं,
और कुछ पिट्ठू होते हैं जो अपने पीठ पर लोगों को केदारनाथ की यात्रा, जो पैदल यात्रा है, उसको कराते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, इसलिए अगर आप कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैदल ही केदारनाथ की यात्रा करिएगा। इसके अलावा गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हुए आपको रास्ते में नदियाँ, सुंदर पहाड़ मिलेंगे, रास्ते में शिव भक्त भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आपको दिख जाएंगे, साथ ही खाने पीने की भी आपको रास्ते में सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अब आखिरी बात, केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता है। अगर आप समय पर ना पहुँचे तो मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग के दर्शन करने होंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पर समय से पहुँचें और करीब 5 बजे से पहले आप केदारनाथ मंदिर पहुँच जाइएगा। और एक ज़रूरी बात, इस यात्रा को करने से पहले आप उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो हमारी ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।